नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। मिशन IAS 2020 के स्वाध्याय से सफलता कार्यक्रम के तहत हम जो दैनिक स्तर पे एडिटोरियल एनालिसिस और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो सेशन है अंतर्दृष्टि नाम के से चला रहे हैं, उसके एक नवीन सत्र के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जिस एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं उनका संबंध जो है वह हाल ही में मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों तथा जो कल हमने जो टॉपिक चर्चा किया था जिसमें प्रस्तावित वन अधिनियम 2019 का ड्राफ्ट और उससे किस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम FRA आदि का उल्लंघन हो रहा है उस पर चर्चा की थी, उसी से संबंधित एक और आर्टिकल आज भी आया है जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारा ये जो अंतर्दृष्टि एडिटोरियल एनालिसिस का जो प्रोग्राम है इसके तहत हम आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे मानक न्यूज़पेपर्स में छपे हुए एडिटोरियल का विश्लेषण करके आपको देते हैं। इसमें हम आपके समक्ष उसका हिंदी जिस्ट प्रोवाइड करते हैं और हिंदी जिस्ट प्रोवाइड करने के साथ ही हम अपने डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित एक लिंक भी देते हैं। लिंक को देने के बाद हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे द्वारा किए गए हिंदी सार विश्लेषण को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उस अंग्रेजी के एडिटोरियल को भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपको एक प्रश्न लिखने को देते हैं और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उस प्रश्न का उत्तर लिख के हमें दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से उसका प्रॉपर फीडबैक और एक मॉडल आंसर भी देने का प्रयास करते हैं। तो आज जिस एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से एक का हेडिंग है इन हिज ओन कॉज, ठीक है, इन हिज ओन कॉज, जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। और जो दूसरा जो आर्टिकल है वह है प्रस्तावित जो वन अधिनियम है उससे संबंधित है और इसका नाम है एक्सप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इन हिज ओन कॉज की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। तो यह जो एडिटोरियल है यह है मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा जिस प्रकार से उनके ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को संभाला गया है उसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, यानी जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रतिक्रिया की गई उसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता था, और इसी आधार पर ये एडिटोरियल जो है उनकी आलोचना भी करता है। तो हम क्या है इसका सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हाल ही में एक पूर्व न्यायिक कर्मी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थी, पूर्व न्यायिक कर्मी के द्वारा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इसके जवाब में गोगोई द्वारा एक खुली न्यायिक कार्यवाही को किया गया जिसके तहत एक विशेष बेंच स्थापित करके मामले को सुना गया। यानी हुआ क्या कि एक जो कोर्ट में कार्यरत महिला थी, पूर्व पहले कार्यरत थी, उन्होंने क्या किया कि CJI पे आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रंजन गोगोई ने इसके जवाब में एक ओपन सेशन किया, एक ओपन कोर्ट किया, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल बेंच की स्थापना की जिसमें मुख्य न्यायाधीश वे स्वयं भी थे, रंजन गोगोई भी थे, उसके अलावा जस्टिस अरुण मिश्रा व जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। ठीक है, यानी उन्होंने मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट के तहत की और एक स्पेशल बेंच का निर्माण किया जिसमें स्वयं भी शामिल थे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की अनेक आधारों पर आलोचना की जा रही है, हालांकि जो मुख्य न्यायाधीश का जो आचरण है ये आलोचना से परे नहीं है और आलोचना इसमें कई आधारों पर की गई, जैसे कि अपने ऊपर लगे आरोपों की स्वयं ही जांच और स्वयं ही सुनवाई प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तथा हितों के संघर्ष का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी आरोप उनके ऊपर लगे थे फिर भी जो सुनवाई की गई, जो जांच करने की बात कर रहे हैं वह स्वयं के द्वारा ही कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप हैं, इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध और हितों के संघर्ष का प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा, इस प्रकृति की शिकायतों के लिए पहले से ही स्थापित संस्थागत प्रक्रिया है जिसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए था। यानी पहले से ही काफी सारे अरेंजमेंट बनाए गए हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे कि 2013 का कार्य स्थल पर यौन शोषण निवारण अधिनियम
जिसके तहत प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत कमिटी आईसीसी की स्थापना का प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए था। इसी के अनुपालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में लैंगिक संवेदनशीलता व सुप्रीम कोर्ट में यौन शोषण निवारण गाइडलाइन 2015 में जो क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं इस क्षेत्र में एक गाइडलाइन बनाई गई है यौन उत्पीड़न निवारण से संबंध में, इसके तहत एक पृथक इन हाउस प्रक्रिया बनाई गई है, यानी घर के भीतर ही एक प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, जिसके तहत न्यायिक साथियों द्वारा ही शिकायतों की जांच की जाती है। ठीक है, यानी अगर कोई न्यायिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न संबंधी विवाद उठता है तो इसमें 2013 का जो अधिनियम है सेक्सुअल हेरासमेंट एक्ट दी वर्क प्लेस कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निवारण अधिनियम, उसी के अंतर्गत 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक गाइडलाइंस बनाई है, जिसके अनुसार एक इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें जो न्यायिक साथी होते हैं, जो न्यायिक लोग ही होते हैं, वह मामले की शिकायत को सुनते हैं। परंतु रंजन गोगोई के केस में ऐसा नहीं हुआ और खुद रंजन गोगोई द्वारा मामले को सुना गया। इस प्रकार इस मामले में जिस प्रकार से उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता और उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड आदि के बारे में बात की गई वह निंदनीय है, यानी वह इसकी आलोचना किया जाना चाहिए। साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया में शिकायतकर्ता को भागीदार नहीं बनाया गया। तो एक तो शिकायतकर्ता भी शामिल नहीं थे, दूसरा क्या था कि उन्होंने ओपन सेशन किया जबकि ओपन सेशन की आवश्यकता नहीं थी, और जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई गई है या फिर आपने जो इन हाउस प्रक्रिया को अपनाया है उसी के तहत अगर कार्य किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई द्वारा अपने पूर्व के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दीपक मिश्रा के विरुद्ध रोस्टर संबंधी मामले में आवाज उठाई गई थी। इससे पहले ही मामला उठा था जिसमें रंजन गोगोई और अन्य जो सीनियर जज थे उन्होंने दीपक मिश्रा पे आरोप लगाया था कि वे रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं और जो कई महत्वपूर्ण मामले हैं उनको सीनियर मोस्ट जजों को ना देके अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। किंतु जब स्वयं उनके द्वारा ऐसी बेंच का भी निर्माण किया गया है जिसमें उन्होंने खुद सीनियर न्यायाधीश को शामिल नहीं किया, ना ही किसी महिला न्यायाधीश को शामिल किया गया। तो यानी इस आर्टिकल में कहा गया है कि बेसिकली जो रंजन गोगोई हैं उन्होंने सेक्सुअल हेरासमेंट के आरोप के विरुद्ध जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की है वह कई मामलों में गलत है और इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्र समिति से मामले की जांच कराई जाए। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र समिति से मामले की जाँच करानी चाहिए, केवल न्यायिक परिचित लोगों के सामने बेंच बनाकर अपनी बेगुनाही को साबित करने से संबंधी निर्णय को सुनाकर मामले का निस्तारण नहीं किया जा सकेगा। यानी आपने के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए आवश्यकता है कि स्वतंत्र समिति द्वारा इसकी जांच की जाए, आप स्वयं से इसका फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, तो आर्टिकल का सार यह है कि इसमें रंजन गोगोई के मामले की जो है उसमें जो उन्होंने आचरण किया है उसकी उन्होंने आलोचना की है और इसके संदर्भ में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र समिति से मामले की जांच कराने की बात कही है। ठीक है, तो ये तो हुआ इस आर्टिकल का सार, ठीक है, जिसका जो आज के न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है, और जो आपको समझना चाहिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वह उसका जो हेडिंग है वह है एक्सप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन। एक्सप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन जो अवि सिंह और पीयूष भाटिया के द्वारा रचित है और इसका सार हुआ संरक्षण के नाम पर जब्ती। तो ये जो आर्टिकल है जो हमने कल चर्चा की थी प्रस्तावित जो ड्राफ्ट है वन अधिनियम का उससे संबंधित है और इस आर्टिकल में भी जो ये जो ड्राफ्ट अधिनियम है उसकी आलोचना की गई है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जिस प्रकार से औपनिवेशकालीन भारतीय वन अधिनियम को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी आलोचना की जानी चाहिए। यानी कहते हैं कि जो प्रस्तावित जो ड्राफ्ट है भारतीय वन अधिनियम का वह आलोचना के केंद्र में है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। इसमें इन्होंने बहुत सारे प्रस्तावित संशोधनों की बात की है, जैसे कि वन संरक्षण के नाम पर पारंपरिक जनजातियों की बेदखली, शोषण व पुलिस राज्य की स्थापना। यानी इसमें जो पीनल प्रोविजन्स हैं
यानी जो दंड देने संबंधी अधिकार हैं वे पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं, और इसी आधार पर उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि भारत जो है कल्याणकारी राज्य से विशेषकर आदिवासियों के संदर्भ में एक पुलिस राज्य में बदलता जा रहा है, जहां पे आदिवासी अधिकारों के संदर्भ में हम पुलिसिया कार्रवाई पर अधिक बल देते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि वन अधिकारियों को सरकार के वन संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए गिरफ्तारी संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वह भी बहुत अधिक हैं। जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी कि इसमें वन अधिकारी जो हैं वह किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में गिरफ्तार कर सकते हैं और साथ ही उस पर गोली भी चला सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक प्रकार का पुलिस राज्य स्थापित होने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा वनों को संरक्षित वन, उत्पादक वन आदि के आधार पर रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी गैर संरक्षित वन को संरक्षित वन में घोषित कर सकती है, साथ ही उसका उत्पादक वन आदि के रूप में भी परिवर्तन कर सकती है। उत्पादक वन एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसको आगे चलकर निजी वन जो ठेकेदार हैं, निजी जो व्यक्ति हैं, उनको दिया जा सकता है, और इससे ये आशंका व्यक्त की गई है कि इससे वनों का कॉर्पोरेटीकरण हो सकता है, यानी व्यवसायीकरण हो सकता है। ठीक है, तो वन संरक्षण जो है वह जिस आधार पे इसको लाया गया है वह वन संरक्षण का उद्देश्य पूरा ना करके इसमें आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। इसमें ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि वनों को जो आपने विभिन्न कैटेगरीज में बांटा है उसके आधार पर जो रखने का प्रावधान किया गया है, जैसे कि संरक्षित वन, उत्पादक वन आदि, उससे एफआरए के साथ पैसा के उल्लंघन का भी आशंका है। एफआरए मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, 2006 का अधिनियम है, जिसके आधार पर जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं, जो पारंपरिक वन निवासी और अन्य जनजातियां हैं, उनको वनों में निवास करने के साथ वहां पे अपनी आजीविका को चलाने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें उनको विविध प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अगर हम पेशा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पेशा की पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का ये एक्ट है, जिसमें जो देश में पांचवी अनुसूची है, जो जनजातीय क्षेत्र है पांचवी अनुसूची के तहत, उसमें क्या प्रावधान है कि पांचवी अनुसूची में जो पंचायतों का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होता है। तो पांचवी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को लागू करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसके द्वारा पंचायतों की कार्यप्रणाली में, पंचायतों की शक्तियों में थोड़ा बहुत फेर बदल करके उन पंचायतों की प्रणाली को इन शेड्यूल्ड एरियाज में, अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जिसके तहत पंचायतों को, वहाँ की जो स्थानीय पंचायत हैं पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की स्थानीय पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वे खनन से संबंधित अधिकार हैं, वहाँ पे किस प्रकार से विकास करना है उससे संबंधित अधिकार हैं, वहाँ के संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है उससे संबंधित अधिकारों के बारे में उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो प्रस्तावित जो वन अधिनियम है वह पेशा का जो का एक्ट है, जिसके द्वारा ग्राम सभा को काफी मजबूत बनाए जाने का प्रावधान है, उसको भी डाइल्यूट कर सकता है, उसको भी कमजोर कर सकता है। तो आपको इसमें तीन चीजें याद रखनी है, एक तो पेशा के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1995-96, ठीक है, पेशा जो 1996 में लागू हुआ। इसके अलावा एफआरए वन अधिकार अधिनियम जो 2006 का अधिनियम है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसके अलावा जो प्रस्तावित जो वन अधिनियम है उसमें किस प्रकार से संशोधन हुए हैं उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें ये इन्होंने बात करी है कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रस्तावित संशोधनों को आदिवासी अधिकारों, एफआरए और पेशा के अनुकूल बनाया जाए। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है इसको आपको कल के जो हमने एडिटोरियल का एनालिसिस किया था उसके साथ पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप इस बात को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, जिसमें आपको पेशा, एफआरए और वन अधिनियम तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हुई आज के दोनों एडिटोरियल के बारे में। आज हम इसके बाद फिर हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न है वह जो हमारा पहला एडिटोरियल उससे संबंधित है। प्रश्न है, हाल में मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की पृष्ठभूमि में 2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की चर्चा करें। हाल में मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की पृष्ठभूमि में
2013 के कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की चर्चा करें। अंग्रेजी में है डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट 2013 इन द लाइट ऑफ रीसेंट एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट 2013 इन द लाइट ऑफ रीसेंट एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट सीजेआई। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले बता देना है किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लगाया गया है, ठीक है, और किस प्रकार से उसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही आप ये भी बताएंगे किस प्रकार से 2013 का जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम अधिनियम है उसको लाया गया था, उसके प्रावधानों की चर्चा करेंगे। तो इसके तहत आप 1997 के विशाखा गाइडलाइंस की चर्चा करेंगे जिसके तहत यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए थे, और इन्हीं 1997 के विशाखा गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए 2013 में यह अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा जो जो नियोक्ता है, जो नौकरी देने वाला है, उसके उसके ऊपर ये प्रावधान किया गया है कि वह शिकायतों के निवारण के लिए एक आईसीसी का गठन करे, यानी आंतरिक शिकायत निवारण समिति आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का गठन करे, साथ ही उससे संबंधित प्रचार भी करे, और यदि उससे संबंधित शिकायत आती है तो शिकायत के निवारण के लिए प्रभावी उपाय किया जाए। इसी के तहत अगर वह व्यक्ति द्वारा आईसीसी का गठन नहीं किया जाता है तो इसके लिए पीनल प्रोविजंस भी रखे गए हैं, यानी दंड दिया जा सकता है जिसमें 50,000 का जुर्माना और दोबारा पाए जाने पर उससे संबंधित लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक तो इसके इससे संबंधित प्रावधान बताने हैं, साथ ही हाल का जो घटनाक्रम रहा है उसको भी बताना है, तो इससे आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। निष्कर्ष के तहत आप इससे संबंधित समीक्षा भी दे सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जन जागरूकता के प्रसार द्वारा या एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र द्वारा प्रभाविता बढ़ाकर इस अधिनियम को और प्रभावी बनाया जा सकता है, और हाल में जिस प्रकार से सेक्सुअल हैरासमेंट के केस की संख्या बढ़ी है और मी टू अभियान का आप इसमें संदर्भ दे सकते हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं उससे ये आवश्यक है कि 2013 के एक्ट को और अधिक प्रसारित किया जाए। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल अंतर्दृष्टि के तहत फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म ज्ञानपुर पर। धन्यवाद।